ढाकी चड्डी, हाथ में लाठी, सिर पर टोपी काली, मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर फिरे मवाली।
हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, संघवाद से आजादी, संघवाद से आजादी, संघवाद से आजादी, मनुवाद से काली, मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर फिरे मवाली। सबको पता है कौन है ये लोग? अरे खाकी चड्डी, हाथ में लाठी, सिर पर टोपी काली, मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर फिरे मवाली। We'll be right back.
पंगियों को क्या गाएंगे? अरे बीजेपी के गुंडों को जूते मारो, सखियों को आरएसएस के दलालों को जूते मारो, सखियों को अचरण दल के गुंडों को जूते मारो, सखियों को आरएसएस के गुंडों को जूते मारो, सखियों को अमित शाह के दलालों को जूते मारो, सखियों को साथियों, हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। एक चीज मैं आपको बहुत बताना चाहती हूँ, इस देश में ये प्रोग्राम लेने के लिए हमें बहुत तकलीफें आई है। जब हमारे साथी सुनिए जब हमारे साथी पोस्टर लगाने के लिए अलग अलग बस्तियों में जा रहे थे तो यहाँ की पुलिस थी जो इन्हें डिटेन कर रही थी। ये साथी थे जिनको यहाँ की पुलिस पोस्टर चिपका रही इसलिए डिटेन कर रही थी। ये देखो हमारी संगी पुलिस, ये वही साथी है जिनको पुलिस भगा रही थी, ये सिर्फ पोस्टर चिपका रहे थे। हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी में कुछ बंदे हैं जिन्होंने मानकुर में कैंपेनिंग की, प्रचार किया इस प्रोग्राम के बारे में, तो इनको भी इस संघी पुलिस ने डिटेन किया था। साथियों, इस देश में ये सब हो रहा है, यहाँ की संघी पुलिस यहाँ के बीजेपी और आरएसएस की दलाल बनी हुई है और इनके इशारों पर नाच रही है। साथियों, इनके बारे में हमें बोलना होगा। इसके बाद हमारे बीच स्वरा भास्कर जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तो मैं बात रखें।